पुरुष किस आयु तक सेक्स कर सकता है इसके बारे में मैं आपको भी जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त देने महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पुरुष की सेक्स लाइफ चालू होती है जब वो उम्र में आता है, इसका मतलब वो पुरुष बनता है, बच्चा जो है उसका पुरुष बनता है और वो अप्रोक्सीमेटली 12, 13, 14 साल की उम्र में उसके सेक्स हॉर्मोन्स का निर्माण शुरू होता है। फिर मूछ आना, जांग में काख में बाल आना, आवाज़ बड़ा होना, मोटा होना और पुरुष के लक्षण मूछ दाढ़ी आना ऐसा शुरू होता है। तो हम बोलते कि नहीं, अभी ये बच्चे का पुरुष बन गया, ये आदमी बन गया। अब एक बार वो बनने के बाद में कब तक चल सकता है, तो एक्चुअल देखा जाए तो वो मरते दम तक चल सकता है। मगर शोध में ये पाया गया है कि उम्र के 75 से 85 साल तक, 75 to 85 ईयर्स तक पुरुषों की सेक्स लाइफ अच्छी चल सकती है। क्या होता है कि जैसी जैसी उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे जो सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसकी लेवल कम कम हो जाती है, बीमारियां बढ़ जाती है, जैसे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ताकत कम होना, थकान आना, फिर डायबिटीज़ की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, या कोई दवाइयां चल रही है। बहुत सारे लोग एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं, या एंटी एंग्जाइटी लेते हैं, अल्प्रेजोलाम की दवाई लेते हैं, और ये अल्प्रेजोलाम या फिर एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयाँ हैं जैसे एमीप्रेमिन, एमीट्रिप्टिलिन, तो ये दवाइयाँ सेक्स कम करने का काम करती है। तो फिर बीमारी है, उम्र भी बढ़ रही है, सेक्स हार्मोन भी कम है, तो नेचुरली सेक्स की इच्छा कम कम होती है। फिर वैसे जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे ऐसा कहा जाता है कि 30 साल के उम्र के बाद हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन कम होते जाता है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो सेक्स हार्मोन की मात्रा 1% से कम कम होती जाती है 30 की उम्र के बाद में हर साल। उसके साथ साथ जैसी उम्र बढ़ जाती है वैसे तनाव है, स्ट्रेस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पति पत्नी में नहीं पट्टी है, फिर आवाज़ समझो मतलब कान में ऊंचा सुनाई आता है या बहरापन आया हुआ है, तो फिर लोग आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, आप रिटायर हो चुके हैं तो काम नहीं है हाथ को, तो ऐसे इसमें फिर जब आपको कम सुनाई आता है, लोग कम बात करते हैं, अकेले अकेले रहना चालू होता है, विड्रॉ होना चालू होता है, नेचुरली एक्टिव लाइफ नहीं है। ऐसा पाया गया है कि जो लोग एक्टिवली अपना जीवन जी रहे हैं तो 71% लोगों में, 100 में से मतलब 70 साल के उम्र के लोग 100 में से 70 लोगों ने यह कहा कि हमारी सेक्स लाइफ एक्टिव चल रही है, क्योंकि वह एक्टिव जीवन जी रहे हैं। इसके मतलब क्या हो गया कि एक्टिव जीवन नहीं जी रहे तो जल्दी बूढ़ा हो जाता है आदमी, जल्दी बीमारियां आती है और सेक्स लाइफ भी निकल जाता है। अदरवाइज 75 to 85 ईयर्स की उम्र में 40% लोगों ने बोला कि हमारी सेक्स लाइफ ठीक चल रही है। मगर वही देखो 75 to 85 लोगों में जो एक्टिव लोग हैं, यदि एक्टिव लाइफ जी रहे तो 70% लोगों ने कहा कि हमारी सेक्स लाइफ चल रही है, मतलब 30% का फर्क मालूम पड़ गया। यदि आप एक्टिव जीवन, सक्रिय जीवन जी रहे तो आप सक्रिय जीवन जीना चालू रखो, सामाजिक काम है उसमें हिस्सा लो, कोई पार्ट टाइम जॉब मिलता है तो वो करो, बिना पैसे का काम करो, सोशल वर्क करो, क्लब्स में जाओ, सीनियर सिटीजन क्लब रहता है उसमें जाओ, लाफ्टर क्लब में जाओ, मतलब अपने को बिजी रखने के लिए जो भी कर सकते वो करो, और वो करते तो आपकी फिजिकल शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, मेंटल क्षमता अच्छी रहेगी और फिर सेक्स लाइफ भी आप आखिरी तक एंजॉय कर सकेंगे। हमारे कल्चर में औरतों को ये भी सिखाना होगा कि नहीं नहीं बच्चे बड़े हो गए मतलब अभी क्या सेक्स करना है, अभी अभी क्या उम्र है क्या सेक्स करने की, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सेक्स की उम्र मरे तक है, जब तक मरते हैं तब तक है, तब तक सेक्स कर सकते हैं। तो पुरुषों ने सेक्स का लाइफ आखिरी तक एंजॉय करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो।
सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।